बेसिकली कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन, इसके बारे में बात करूँ, बिटकॉइन जो क्रिप्टो है, ये अप्रैल तक आई थिंक बहुत ऊपर जाएगा। अच्छा जी, शायद मसूद साहब भी अब बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं और क्लिक बेट चल रहा है कि भाई इज़ इट अ फ्रॉड, और डेफिनेटली इट्स अ क्लिक बेट, क्योंकि जब मैंने इनकी बात सुनी तो वो बेसिकली बता रहे थे कि शायद कितना ज़रूरी होता जा रहा है आगे फ्यूचर के लिए, और इन्होंने इसमें इलॉन मस्क के बारे में भी बात करी है। तो जो भी इन्होंने बताया वो कोई इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं। आज से 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इलॉन मस्क के बारे में कि उसने क्यों इन्वेस्टमेंट करी, तो उसके 3-4 रीज़न जो मैंने बोले थे वो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। हाँ जी, तो मैं कहाँ पे था, तो मैं बेसिकली अपनी वाइफ को बता रहा था इलॉन मस्क के बारे में कि बेसिकली वो एक प्योर जीनियस आई गेस। सो 3 to 4 years अगो देर वॉज एन इंटरव्यूअर एंड ही आस्क इलॉन मस्क, सर आपका बिटकॉइन के बारे में क्या ख्याल है, और उसने ये भी पूछा कि वो क्या बैंकिंग इंडस्ट्री को तबाह कर देगा आगे जाके। तो इलॉन मस्क ने जवाब दिया कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता, पर उस वक्त उसको लगता नहीं था, और उसने ये भी बोला कि मैं कोई बिटकॉइन ओन नहीं करता। And right after 3 years, he bought $1.5 billion in Bitcoin अभी recently. तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार Bitcoin क्या चीज़ है, इसमें invest करना चाहिए या नहीं चाहिए। और हाँ, प्लस Elon Musk ने ये भी बोला कि उसके हिसाब से ये शायद अच्छा है ही नहीं, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू इन्वेस्ट इन टू बिटकॉइंस। रीज़न ये है कि जब उसने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करी, उससे ये फ़र्क पड़ा कि फ्री मार्केटिंग हो गई उसके प्रोडक्ट की, मतलब टेस्ला की फ्री मार्केटिंग करी उस बंदे ने, और इवन बिटकॉइन को स्पाइक मिली 20% उसकी इस हरकत की वजह से। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा, क्यों, क्योंकि उसकी फ्री मार्केटिंग भी हुई, टेस्ला जो है उसके स्टॉक की प्राइसेस भी ऊपर चले गए, और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ला के बारे में पता चल चुका है, इलॉन मस्क के बारे में पता चल चुका है, उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी पता चल चुका है जो पहले लोगों को नहीं पता था। क्योंकि जब उसने बिटकॉइन बाय किया उसके बाद उसकी न्यूज़ हर चैनल पर थी, यानी कि हर चैनल पर उसकी हेडलाइन चल रही थी कि भाई इलॉन मस्क बॉट 1.5 बिलियन बिटकॉइंस, ये सारे न्यूज़ चैनल्स में आ रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या रिलेशन दिखाया कि भाई इलॉन मस्क कौन है, ऑब्वियसली टेस्ला का मालिक, स्पेस एक्स का मालिक, और भी जो उसकी कंपनी है उन सब का मालिक, मतलब आपको उसके बारे में और पता चल गया, यानी कि लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँच गई, फ्री मार्केटिंग हो गई, और उसने अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया। क्यों, क्योंकि आगे जाके वो ये देख रहा था कि बिटकॉइन से लोग गाड़ियाँ भी खरीदेंगे, तो उसने ऑलरेडी अपनी कंपनी के अंदर रेगुलेशंस डाल दी हैं, उसने अपनी कंपनी में अपने अकाउंटेंट्स के अंदर ये बात उनके दिमाग में डाल दी कि भाई बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन उनको करने पड़ेगी आगे जाके, जिसके थ्रू लोग उनसे गाड़ियाँ भी खरीदेंगे। तो उसने ऑलरेडी फ्यूचर देखा हुआ है बहुत ज़्यादा, जो कि हम लोग नहीं देख पा रहे। तो इलॉन मस्क की इस इन्वेस्टमेंट की वजह से ये भी हो रहा है कि जो ओरेकल है, एप्पल है, दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन टू बिटकॉइन नाउ। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि बिटकॉइन अब आगे से आगे ही जाएगा। मेरे मुताबिक, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस है, पर मुझे लगता है कि बिटकॉइन आगे बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, मतलब हाईली वॉलेटाइल है, पर ऑब्वियसली बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा आगे जाके, क्योंकि ये बहुत बढ़ेगा। मुझे लगता है ये $100,000 to $200,000 तक तो जाएगा जाएगा, या उससे भी ज़्यादा, ये नहीं पता कब, पर ऐसा होगा यकीनन इन फ्यूचर। अच्छा, अब बात करते हैं मिथ की। मिथ ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है, ऑब्वियसली बिटकॉइन को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा था, उसको गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट नहीं कर रही, किसी भी दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट बिटकॉइन को रेगुलेट नहीं कर रही। तो लोगों के दिमागों में ये मिथ है कि बिटकॉइन जो है वो बहुत सेफ़ है, इस सेंस में कि गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं करती, तो उसकी वजह से उसकी प्राइसेस ऊपर नीचे नहीं हो सकती, जो कि गलत है। गवर्नमेंट फिर भी रेगुलेट कर सकती है, वो टैक्सेशन में चेंजेस ला सकती है, वो इकोनॉमी में चेंजेस ला सकती है, जिसकी वजह से बिटकॉइन में भी चेंज आ सकता है ऑटोमेटिक। हाँ, ये है कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा जितना मार्केट पर इम्पैक्ट होगा। तो गवर्नमेंट को भी ये पता है कि भाई अगर हम लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करी, गवर्नमेंट ने खुद ने भी, और उसको मार्केट में लेकर आए, तो उनको भी इन द फ्यूचर फ़ायदा होने ही होना है, क्योंकि ये फ्यूचर है। इसका मतलब 3 रीज़न है जिसकी वजह से इलॉन मस्क ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करी। पहला रीज़न स्कैसिटी। स्कैसिटी की वजह से जो बाकी कंपनी जैसे ओरेकल हो गया, एप्पल, जिसके रूमर्स हैं अभी तो, पर वो भी चाह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इस तरह इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगी, और उतना ही मुश्किल हो जाएगा किसी आम बंदे के लिए बिटकॉइन को परचेज़ करना और बिटकॉइन में डील करना, और वो जितना मुश्किल होगा उतनी ही उसकी डिमांड बढ़ेगी, और उसकी सप्लाई अगर कम होगी तो जारी बात है उसके रेट्स भी ऊपर चले जाएंगे। मेरे हिसाब से दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उसने इसलिए इन्वेस्टमेंट करी ताकि ऑलरेडी स्टॉक्स में उसकी इन्वेस्टमेंट है, ऑलरेडी रियल एस्टेट में भी उसकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, पर ये दोनों चीज़ें मार्केट के हिसाब से नीचे जाती हैं। अगर इकॉनमी नीचे गई
तो ये दोनों चीज़ें भी नीचे चली जाएंगी और गवर्नमेंट से रेगुलेटेड भी होता है। बिटकॉइन ऑन दी अदर हैंड, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वो रेगुलेटेड नहीं है और उसकी प्राइसेस बढ़ती ही जा रही हैं क्योंकि उसकी स्कैसिटी की वजह से। तो इसलिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट उसने मूव ली और मेरे ख्याल में बहुत शार्प मूव थी, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस भी ऊपर चली गई, उसने पैसा भी बना लिया और अब वो दोबारा वही पैसा अपनी टेस्ला के ऊपर इन्वेस्ट करेगा क्योंकि उसके नया मॉडल भी आने वाला है मार्केट में। तो ये बड़ी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है और उसने बहुत सोच समझ के आई गेस इन्वेस्टमेंट करी, बट आई थिंक ही इज़ अ कंप्लीट जीनियस। तो जिस तरह अगर आप 46 का ले रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर वो 80,000 जा रहा है, 100,000 जा रहा है, जो भी अगर हो सका तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, राइट? तो अच्छा टाइम है कि आप इन डिप्स के अंदर ही इसको ख़रीदें। हाई लेवल पे जब हो तब ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं, जस्ट लाइक स्टॉक्स। तो अनलेस कि आप अगर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो वो एक अलग कहानी है। सो F2 पूल बेसिकली माइनिंग कोलैबोरेशन, उन्होंने काफ़ी आउटफ्लो किया सारा फंड इसके अंदर से। तो मुझे याद है कि लास्ट वीक ये 45 बिलियन तक भी मैंने इसका यहाँ पर वॉल्यूम देखा है, पर अभी 20s में चला गया है। तो उन्होंने काफ़ी आउटफ्लो किया जिसकी वजह से इसके रेट्स नीचे चले जाते हैं। जितना भी उन्होंने आउटफ्लो करना था कर लिया और जितनी भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे उन्होंने करी, पर फिर भी बिटकॉइन अब इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो स्टेबल रहा, मतलब कि 50 कभी 45, तो ये इसकी स्टेबिलिटी रही, वरना ये बहुत ज़्यादा नीचे भी जाता था। अब इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रही तो इसका मतलब कि ये स्ट्रांग होता जा रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट।